हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज देखते हैं न्यूज़ एनालिसिस के अंदर गवर्नेंस का एक पार्ट। अभी रिसेंटली हैदराबाद पुलिस ने एक एनकाउंटर कंडक्ट किया है कि काफ़ी दिनों से एक रेप केस न्यूज़ में था। एक वेटरिनरी डॉक्टर का रेप हुआ था, तो उनके जो अक्यूज थे उनका एनकाउंटर हैदराबाद पुलिस ने किया है। तो उससे रिलेटेड जो है, क्या आपके लिए यूपीएससी के लिए क्या बेनिफिशियल इसमें इंफॉर्मेशन है, या फिर आपके मेंस एग्जाम के लिए क्या इसके अंदर इंफॉर्मेशन आपको जो है पढ़नी चाहिए वो है। देखिए, सबसे पहले ही जो चीज है, मिनेसोटा प्रोटोकॉल, ठीक है। मिनेसोटा प्रोटोकॉल ये किस लिए होती है? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अनलॉफुल डेथ की इन द सेट ऑफ इंटरनेशनल गाइडलाइंस। ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, ठीक है। अनलॉफुल डेथ अगर होती है तो उसके अंदर कैसे आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो उसको लेके ये गाइडलाइंस इश्यू की गई है। और अगर कोई सस्पिशियस डेथ भी है उसके अंदर भी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की जानी चाहिए, ये प्रोटोकॉल आपको फॉलो करनी है। मतलब इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है एजेंसी, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करनी होती है। ये 2016 के अंदर आई थी। अब इस केस के अंदर जो है प्रीलिम्स के लिए ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है कि मिनेसोटा प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, फिर चार ऑप्शन आगे दे दिए जाएंगे। तो प्रीलिम्स के लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं गवर्नेंस वाला पार्ट, जो कि मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर ये जो फैक्ट है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये बताया है कि 2000 से 2017 के बीच में 1782 केसेस ऑफ फेक एनकाउंटर ये रजिस्टर किए हुए हैं। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बताया आपको। तो ये फैक्ट आप अपने आंसर के अंदर यूज कर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि ये उस केस का नाम है एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट ये कहती है कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस और जो प्राइवेट डिफेंस है पुलिस का, ठीक है, वो अलग मतलब चीज है। पुलिस इसको समझने में मिसअंडरस्टैंड करती है कि पुलिस ये समझ ही नहीं पाती, और सेल्फ डिफेंस का आर्ग्यूमेंट देके वो एनकाउंटर कंडक्ट कर देती है। और ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिंग है, आपको ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग आप ऐसे ही यूज करोगे। ये देखो लिखा हुआ है इसके अंदर, मिसअंडरस्टूड बाय द पुलिस एंड दस दे गो अप टू द एक्सटेंट ऑफ जस्टिफाइंग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। तो ये इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस, इस लाइन को आप एज इट इज अपने आंसर के अंदर लिखेंगे इस केस के साथ। इस केस का नाम जो है वो मेंशन करना जरूरी है और आपको याद भी रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर आगे देखते हैं कि एक और केस है, ओम प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिंग ये कहता है कि इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू किल द अक्यूज्ड मेरली बिकॉज ही इज अ ड्रेडेड क्रिमिनल। तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी नहीं है कि अगर कोई क्रिमिनल है तो पुलिस का ये काम होता है उसको किल करना, ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है। तो ये केस भी आप मेंशन करोगे। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर ऐसा किया जाता है तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में फॉल करेगा। अगर फेक एनकाउंटर होता है तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। तो इस केस का नाम आप मेंशन करके और इस लाइन को आप लिख सकते हैं अपने आंसर में, तो इससे आपका आंसर ज्यादा इंफॉर्मेटिव और अच्छा हो जाएगा। अब कुछ इसके अंदर चीजें समझने वाली बात है कि अगर फेक एनकाउंटर होता है या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है जो पुलिस को फॉलो करने चाहिए वो फॉलो नहीं किए जाते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके रूल ऑफ लॉ का वॉयलेशन है। रूल ऑफ लॉ फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है किसका? गवर्नेंस का, सिविलाइज सोसाइटी में और लिबरल डेमोक्रेसी में। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में या सिविलाइज लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ये गवर्नेंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। दूसरा, वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है। तो ये इसका वॉयलेशन भी है। और एक और चीज है इसके अंदर, अगर आपको कोई सजा देनी है तो वो दैट शुड बी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और एनकाउंटर किलिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर फॉल नहीं करता, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर रोल ऑफ मीडिया का एक एंगल है कि कैसे पुलिस ऑफिसर्स जो महाराष्ट्र पुलिस के थे 1990s के अंदर, उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सुपर कॉप्स ऐसा स्टेटस मीडिया ने दे दिया था। तो पुलिस जो है इसलिए भी थोड़ा एनकाउंटर करने में वो रहती है क्योंकि उनको फेम मिलती है। तो ऐसा जो मीडिया का रोल है ये भी हमें इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। अब इसके अंदर एक और चीज है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इन दीज एनकाउंटर किलिंग्स।
ये जो एनकाउंटर किलिंग होती हैं, लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इसमें, लोग भी ग्लोरीफाई करते हैं, तो ये सोसाइटी की एक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा मतलब सेंसिटाइज करना पड़ेगा सोसाइटी को, मीडिया का रोल इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, और इस चीज को आप एक होलिस्टिक आंसर आप इस चीज इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ लिख सकते हो। थैंक यू।